जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की आइसोलेटेड टास्किंग का हिस्सा हो सकता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सी एन अश्वथा नारायण ने आश्वासन दिया कि उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को 10 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। सत्र के शुरू होने से पहले राज्यसभा के 3/4 सदस्यों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित किया है, इसलिए माना जा रहा है कि अब जल्द कोविड प्रोटोकॉल के साथ सत्र शुरू हो सकेगा। केरल सरकार ने कोरोना के कारण मरे व्यक्तियों की लाश को अंतिम संस्कार की रस्म पूरा करने के लिए उनके परिवार को सौंपने का फैसला किया है। अब तक महामारी प्रोटोकॉल के कारण कोरोना से मृत व्यक्तियों की लाश को उनके घर तक ले जाने की अनुमति नहीं थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नियम तोड़ने पर फिर से सख्ती की गई है। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर का मेन मार्केट को 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के नियमों के लगातार उल्लंघन के बाद यह आदेश दिया है। साइबर सुरक्षा के मामले में भारत ने दुनिया के इंडेक्स में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 47वें स्थान पर था। तीरथ सिंह रावत ने अब तक अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनने में कामयाब नहीं होते हैं तो सीएम पद से हटने के बाद वो बतौर सांसद कायम रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया है। सुबह हार्ट अटैक के कारण राज कौशल का निधन हुआ है। राज कौशल को आज सुबह 4:30 बजे घर में दिल का दौरा पड़ा और इससे पहले के परिवार कोई मेडिकल सहायता ले पाता उससे पहले ही राज कौशल का निधन हो गया था। फेमस टीवी शो ससुराल सिमर का की एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ जल्द शो से विदा लेने वाली हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड अगले महीने आईपीएल की दो नई टीमों के लिए बोली का आयोजन कर सकता है। बीसीसीआई पहले ही आईपीएल में टीमों की संख्या 8 से 10 करने का ऐलान कर चुका है।